Explain again what is the output of given code. In that case we are declaring two variable x and y. Then x ka address is unke inside character pointer p. Pointer ka type ke iske isme character pointer. Again iske isme required kya hua typecasting. Some compiler may takes without typecasting. Typecasting perform kara in the form of char star. Then address of x. What is the output of this code? Again we are preparing a stack diagram, each block having size as 1 byte. Some address 100, then next byte ka address kya hai? 101 99 98 76 and so on. सबसे पहले डिक्लेरेशन पार्ट के x के लिए, इसलिए मेमोरी किसके लिए एलोकेट कराएंगे x के लिए, प्लस x कितनी बाइट का नेम होगा 2 बाइट का. सेकंड केस में क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ y, y भी कितनी बाइट का नेम होगा 2 बाइट. नेक्स्ट केस में डिक्लेरेशन किसका, p का, p कैरेक्टर पॉइंटर, इसलिए कितने बाइट्स पॉइंट होंगे 1 बाइट, लेकिन इसका साइज क्या होगा p का 2 बाइट, बिकॉज़ पॉइंटर का साइज कैसा है, इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा टाइप. नेक्स्ट p, फर्स्ट ऑफ ऑल x में क्या सान कराया गया, x इक्वल्स टू 130. काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है भी. इन दैट केस वी आर असाइनिंग x इक्वल्स टू 130. तो 130 अगेन किस फॉर्म में सान कराया, बाइनरी फॉर्मेट, बाइनरी नंबर क्या इसका, इट इज इक्विवेलेंट टू 128 + 2. 128 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 17 × 0. This is the binary number of 128. इसमें ऐड क्या कराना है, 2. 2 का बाइनरी क्या होगा, 10. 10 ऐड कराएं तो सिंपली स्पेस पर क्या जाएगा, इस द बाइनरी नंबर ऑफ 130. लेकिन x की बात करें तो x का साइज क्या है, 2 बाइट. फाइनली डेटा कितने बिट्स में अवेलेबल है, 8 बिट्स में. कन्वर्ट कितने बिट्स में करना, 16 बिट में. तो इस केस में रिमेनिंग बिट्स के ऐड कराएंगे एज 00. Eight times zero. Next one. This is the data for first 8 bits. The data go inside next 8 bits. Means x ke case mein a particular data kis byte mein assign hoga, location 101. Next data kis place par assign hoga, location 100. Means go inside and that place. Finally 101 mein kya assign hoga, all times zero. All times 0. लेकिन 100 लोकेशन में कैसा होगा, 1 0 0 0 0. x के केस में x का साइन बिट क्या है, 0. 101 में साइन हुआ मींस दैट प्लेस, मींस साइन बिट 0, इसलिए नंबर क्या है, पॉजिटिव. स्पेशल केस क्या है इस केस में, p, p इक्वल्स टू साइन के एड्रेस ऑफ x, एंड x का एड्रेस क्या है, 100, इसलिए p में कैसा होगा, आल्सो 100. P उस लोकेशन को पॉइंट करेगा जिस लोकेशन का एड्रेस 100 है, मींस दैट बाइट. प्लस P के थ्रू कितने बाइट्स पॉइंट करना पॉसिबल, ओनली 1 बाइट, इसलिए P स्टार P कितने बाइट का नेम होगा, ओनली 1 बाइट का. मींस x का साइन बिट 0 था, इसलिए x कैसा नंबर है, पॉजिटिव. लेकिन P का साइन बिट कैसा है, सॉरी स्टार P का साइन बिट कैसा है, 1, मींस नेगेटिव नंबर, नॉट अ पॉजिटिव. नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट केस क्या है, केस में दैट एक्सप्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. इन दैट केस वी आर यूजिंग, you are writing here or some other place like that. Means you say expression mein write down karo other place par, y equals to star p. Star p ke case mein baat karte hain, star p ke andar currently value kya store hai, 1 7 times 0, sorry 1, is 1 ko main write karna bhul gaya tha, that one is also 1, means 10010. This is the binary number of star p, not a x. Means star p only x ke single byte ko point kara, not a complete x. Lekin ye particular data available kitne bits mein, only 8 bits mein. Plus ise information ko assign kaha kiya, inside variable y, aur y ka size kya hai, 16 bit. Means directly assign karna possible nahi, means y ke paas total kitne bits hai, 8 bit plus 8 bits. Then next remaining 8 bits में कैसे कराएंगे, default value. इस आपको मैंने data task के time पर भी explain किया था, जब भी आप 1 byte data 2 byte में assign करोगे, then
इसका जो अदर नेक्स्ट सेकंड बाइट होगा, नेक्स्ट सेकंड बाइट में कैसा होगा डिफॉल्ट वैल्यू, लेकिन डिफॉल्ट इंसर्टेड वैल्यू क्या वो डिपेंड करेगा जिस प्लेस से आप डेटा कॉपी करें उसका साइन बिट क्या, साइन बिट वन, इसलिए रिमेनिंग डिफॉल्ट बिट्स क्या आसान होंगे ऑल्सो वन, एट टाइम्स वन नॉट अ जीरो। मीन्स मैंने प्रीवियस केस में ऐड किया जीरो जीरो, यहाँ आप कोई एक बाइट या दूसरे बाइट में असाइन नहीं किया, मीन्स फर्स्ट टाइम आप डेटा को जनरेट कर रहा है, लेकिन स्पेस वर्क परफॉर्म कर रहा है असाइनमेंट ऑप्शन फ्रॉम वन बाइट टू टू बाइट्स। देन फाइनली पर्टिकुलर डेटा जब एक्स में कॉपी करेंगे, सॉरी वाई में, वाई के पास टू बाइट्स हैं, ये पर्टिकुलर डेटा कहाँ आसान हुआ 99 में, देन 98 लोकेशंस, फाइनली आसान क्या हुआ 8 टाइम्स 1। देन वाई के सेकेंड बाइट में क्या आसान हो रहा 1 0 0 0 0 1 0, क्लियर, दिस द वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड वेरिएबल वाई। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद आउटपुट में क्या डिस्प्ले कर रहा है वैल्यू ऑफ वाई, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, वाई के रिस्पेक्ट में वाई का वैल्यू डिस्प्ले करा हुआ है, वाई का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन स्टैक के फॉर्म में क्या हुआ लाइक दैट, लेकिन अगर आपके पास परफेक्टली डेटा की बात करनी से इट इज अ कंटेंट्स विच इज स्टोर्ड इनसाइड वेरिएबल वाई, तो वाई के केस में वाई का वैल्यू डिस्प्ले कराएं साइन बिट क्या 1, वैल्यू डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट करना करके सबसे पहले रिकॉर्ड किया और टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग सारे के सारे 1 कन्वर्ट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ जीरोस, देन दैट 1 1 1 दैट 1 ऑल्सो 0 1 1 1 1 0 1, देन इसमें ऐड क्या कराना है 1, 1 प्लस 1 इज 0, कैरी इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, रिमेनिंग टाइम्स क्या आएगा 1 1 1 1 1, आप इसको चेक कर सकते हो बाद में 0। इन दैट केस इट इज़ अ वैल्यू ऑफ, मीन्स अगर आप इसका डेसिमल नंबर निकालोगे, इसका डेसिमल नंबर हुआ आई थिंक 127, अगर ऑल टाइम वन होता देन क्या था 127, लेकिन एक वन इसमें कम है इसलिए क्या आएगा 126, इन दैट केस आउटपुट इज प्रिंटेड 126। वन मोर थिंग, 126 डायरेक्टली आया आफ्टर टू इज कॉम्प्लीमेंट, आफ्टर टू इज कॉम्प्लीमेंट, साइन बिट वन था, वन था, इसलिए साइन कौन सा अप्लाई करो माइनस साइन, इस केस में एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या हुआ माइनस 126।